पांच सेक्टर, लेकिन आपको सिर्फ चार सेक्टर पढ़ने इकोनॉमी के, इकोनॉमी में सिर्फ आपके सिलेबस के हिसाब से चार सेक्टर, मैंने पांच लिख दिए हैं, लेकिन आपको कितने पढ़ने हैं, ओनली फोर। कौन कौन से? हाउस होल्ड सेक्टर, देखिएगा, सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, इंफेसिस किसके ऊपर होता है? पहला सेक्टर है कंज्यूमर सेक्टर या फिर हाउस होल्ड सेक्टर। क्या करता है जनरली बेटा? एक कंजप्शन करता है, कंजप्शन करेगा तो उसके लिए से क्या करनी पड़ेगी? डिमांड करनी पड़ेगी। दूसरा सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर होता है, जो क्या करता है बेटा? इन्वेस्टमेंट करता है। इन्वेस्टमेंट किस पर्पज के लिए करेगा? सप्लाई को पूरा करने के लिए, क्योंकि कंज्यूमर ने डिमांड करी है। तीसरा सेक्टर आता है बेटा गवर्नमेंट सेक्टर। अब कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में मैंने बताया था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरवेंशन कर सकती है गवर्नमेंट। अगर आपने मार्केट इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर पढ़ा है, अगर डायरेक्टली इंटरवेंशन करेगी तो प्राइस सीलिंग और इनडायरेक्टली इंटरवेंशन करेगी तो प्राइस फ्लोर, यानी गवर्नमेंट टैक्सेस एंड सब्सिडीज लगाती है, क्योंकि उसे देश का क्या करना है बेटा? वेलफेयर करना है, यानी एक वेलफेयर एजेंसी होती है गवर्नमेंट। चौथा सेक्टर आता है एक्सटर्नल सेक्टर या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाहर, यानी ये क्या करेगा बेटा? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। सिर्फ अपने देश में रहकर काम नहीं करना, आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी करना है, तो उसके लिए एक्सटर्नल सेक्टर अपनाना पड़ेगा, दूसरे देश से कोई संबंध बनाने पड़ेंगे। अगर सिर्फ कंज्यूमर सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर हैं, तो ये मेरी कौन सी इकोनॉमी हो गई? क्लोज्ड इकोनॉमी। बट इसके अंदर अगर मैं क्या जोड़ लूं? एक्सटर्नल सेक्टर भी ज्वाइन कर लूं, तो मेरी इकोनॉमी कौन सी बन जाएगी? ओपन इकोनॉमी।